नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। तो पहली खबर गोल्ड को लेकर यह है। गोल्ड का मार्केट एक्शन में है और 49,000 के ऊपर बना हुआ है। 49,348 की नई ऊंचाई को छूने के बाद मार्केट लगातार ऊपरी स्तर को होल्ड कर रहा है। और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1,820 के ऊपर है और सितंबर 2011 के बाद ये गोल्ड का सबसे ऊपरी स्तर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। 2020 में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश मांग लगातार बढ़ रही है। चांदी की बात करें तो आज गोल्ड के मुकाबले चांदी में तेजी ज़्यादा है और 52,000 के ऊपर MCX पर चांदी ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव $19 के ऊपर है और हफ्ते भर में चांदी में 6% तक की मजबूती हमने देखी है। पिछले 3 महीने में चांदी में 18% का रिटर्न मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की तो क्रूड का मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। सीमित दायरे में है कच्चा तेल, ब्रेंट 43 के ऊपर है, हल्की कमजोरी है। WTI क्रूड $41 के नीचे है और MCX पर भाव 3060 के करीब है। अमेरिका में पिछले हफ्ते 48,00,000 बैरल क्रूड का स्टॉक घटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस मेटल की तो बेस मेटल्स में चौतरफा खरीदारी है। कॉपर 1.5% चढ़ा है, 487 के करीब है। जिंक, लेड और एल्युमिनियम 1% तक मजबूत है। निकेल 1015 के ऊपर है, हल्की तेजी है और इन्वेंट्री घटने से कीमतों में तेजी का रुख दिख रहा है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक में जो कमी आई है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सरसों की कीमतों पर दबाव है और सरसों का वायदा 4700 रुपये तक फिसला है। जुलाई वायदा का भाव 1% से ज़्यादा टूटा है। खरीफ की बुआई में भारी बढ़ोतरी से कीमतों पर दबाव है। पिछले 3 महीने में सरसों में करीब 15% का उछाल देखा गया है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ जिगर धर्मची हैं, जिगर मोतीलाल ओसवाल के। जिगर बहुत स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी गोल्ड पर, गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या ट्रेड लेना चाहिए? गोल्ड में हमने देखा है कि एक नए हायर लेवल्स पे प्राइसेस ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमने देखा कि $1,800 के ऊपर सस्टेन होता जा रहा है स्पॉट में प्राइसेस। ओवरऑल देखिए, मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स तो काफी हद तक पॉजिटिव ही है गोल्ड में। इन बिटवीन हमने जरूर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा था, बट अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है और पिछले 4 हफ्ते में देखे तो तकरीबन 4.5% से ज्यादा की तेजी हम गोल्ड में देख चुके हैं। मेजर बैकग्राउंड फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी भी तेजी का ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि हल्की सी अगर गिरावट आती है और ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से अभी भी जो बायस है वो तेजी का ही रहेगा, तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि तकरीबन 49,150 के लेवल्स पे अगर गिरावट आती है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 49,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 49,600 के हम टारगेट्स देख के चल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में आपकी ये राय है। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में अभी बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है, हालांकि फंडामेंटल कमजोर है, डिमांड कम है, इसको लेकर कोई शक नहीं है। तो क्या करना चाहिए क्रूड में अभी? जी, क्रूड में हम देख रहे हैं कि काफी रेंज बाउंड है, आपने बिल्कुल सही बताया। पिछले कुछ दिनों में अगर देखे तो नीचे में 3,2970 ये एक सपोर्ट है और ऊपर 3,100 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है ये जो ओवरऑल रेंज बाउंड मूव है अभी भी कंटिन्यू करेगा। बट अगर आज के सेशन में देखें तो मुझे लगता है बायस थोड़ा हायर एंड पर रहेगा, तो आज के ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हल्की सी खरीदारी जरूर देखने को मिल सकती है। एक अपडेट आया था जैसे कि जो ओपेक प्लस का जो ओवरऑल प्रोडक्शन कट है जून का, वो 9.7 से जो बढ़ के है तकरीबन 10.6 मिलियन बैरल्स का है, तो ओपेक के सारे मेंबर्स है वो कॉम्प्लायंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो प्रोडक्शन कट है ये अभी भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है क्रूड के प्राइसेस को लेकर। हालांकि जो वायरस के वजह से डिमांड के इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से हायर लेवल्स पे भी प्रेशर आ रहा है, बट यस, ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है आज के सेशन में तेजी करनी चाहिए। 3,025 के लेवल्स आते हैं तो वहां खरीदारी करें, 2,970 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3,125 के टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या नेचुरल गैस में इस लेवल पे करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाई करके चलना, खरीद कर चलना बेहतर रहेगा?
जी हाँ, नेचुरल गैस में हमने काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देखी है और मुझे लगता है कि ये अपसाइड इस हफ्ते सस्टेन हो सकती है और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 145 या 147 के भी लेवल्स एक या दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नेचुरल गैस में भी करंट लेवल से अगर 137 तक आता है तो वहाँ पर भी खरीदारी करनी होगी। 134.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और आज के सेशन के लिए 142 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में अभी बाइंग का मौका है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कॉपर का स्टॉक काफी कम हो गया है, सप्लाई कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो गया है, तो अभी उस खबर के दम पर और तेजी बाकी है या वो तेजी आ चुकी है? जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में ओवरऑल एक तेजी अभी भी बाकी है। कॉपर में भी हमने देखा, कॉपर और जिंक और निकल, ये तीनों मेटल्स काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छी रैली देखते हुए दिखे हैं हमको। मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी और तेजी है और रिसेंट एक अपडेट भी था, जैसे कि चिली में जो कोडेल्को माइन है वहाँ पर दोबारा से सप्लाई कंसर्न अराइज हुए हैं बिकॉज उस माइन में जो वर्कर्स है वहाँ पर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक अभी जो सप्लाई के कंसर्न है उनकी वजह से बेस मेटल्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और खास करके कॉपर को। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए, तकरीबन 485 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 482 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर 490 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, और जिंक में क्या करें अभी? जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा है, तो जिंक में भी मुझे तेजी ही दिख रही है। 168.50 के लेवल्स पे खरीदारी करनी होगी, 167 का स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड में 171.25 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। एग्री मार्केट में कोई आपकी पिक जिगर? मुझे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि सोयाबीन और आरएसओ में हल्की सी तेजी जरूर रहेगी और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो 3750 के करीब ट्रेड कर रहा है सोयाबीन। मुझे लगता है कि 3800 से लेकर 3820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 3710 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लगता है 3710 के स्टॉप लॉस से एक खरीदारी में रहना चाहिए और 3820 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं, बट ये वेरी शॉर्ट टर्म रहेगा। इनकेस अगर 3710 ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब एक कॉलर आ गए हैं और अशोक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अशोक जी पूछिए। कॉटन ऑयल सीड में क्या करना चाहिए चालू रेट में? कॉटन सीड ऑयल में क्या करना चाहिए बताइए जिगर। फिलहाल के लिए तो मुझे हल्की सी गिरावट दिख रही है। मुझे लगता है कि 2025 के करीब का एक रेसिशंस है। मुझे लगता है कि प्राइसेस जब तक इन लेवल्स के नीचे है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम रहेगा, तो एक हल्की सी गिरावट के साथ काम हो सकता है और 1950 से 1925 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त नवी मुंबई से। पूछिए अशोक जी। 51,850 में सेल किया हुआ है चांदी, क्या करना चाहिए? 51,850 में आपने सेल किया है, क्या करना चाहिए जिगर इनको? अभी भाव तो 52,000 के ऊपर चला गया है। इस चांदी में भी मुझे हल्की सी तेजी जरूर लग रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 52,250 के तकरीबन इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर से करना होगा। इनकेस अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो और फर्दर तेजी आ सकती है, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में होल्ड नहीं करके चलना चाहिए। ठीक है, इस पे आप नजर रखिए। चांदी में हालांकि ठीक ठाक तेजी बन गई है, 52,000 के ऊपर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है अच्छी तेजी के साथ। दीपक सोनी जुड़ रहे हैं इस वक्त जोधपुर से। पूछिए दीपक जी। हाँ सर जी, गोल्ड काफी सेल कर रखे हैं हमने, नीचे आएगा या नहीं भाव एक दूसरे? अच्छा, गोल्ड शॉर्ट टर्म में भी कुछ नीचे आने की गुंजाइश है क्या या अभी नहीं है गुंजाइश जिगर? देखिए, हल्की सी गुंजाइश जरूर सी होगी इंट्राडे परस्पेक्टिव से, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आज के आज ही नीचे आएगा, बट मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा तकरीबन 49,750 से 800 के जोन में। इनकेस अगर कंफर्टेबल है तो इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चल सकते हैं। सी ऑलरेडी प्राइसेस काफी हायर लेवल्स पे है और इन लेवल्स के करीब आके काफी वॉलिटिलिटी जरूर होती है और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी।
तो मैं सजेस्ट करता हूँ अगर 49,750 से 800 के करीब अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और इनके एंट्री लेवल से करीब भी आता है तो एक बार एग्जिट का मौका देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।